हैदराबाद लोकसभा सीट से भाजपा की फायर ब्रांड उम्मीदवार माधवी लता अपने बेबाक अंदाज के साथ साथ सनातन के लिए मंत्रोच्चार और अपनी संपत्तियों को लेकर भी सुर्खियों में हैं। पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही माधवी लता तेलंगाना की सबसे अमीर उम्मीदवारों में से एक है और उनके सामने सांसद असदुद्दीन ओवैसी की संपत्ति काफी कम है। 49 वर्षीय माधवी लता जितनी सादगी के साथ चुनावी सभाओं में बाहर निकलती है उतनी ही उनकी संपत्ति के आंकड़े भी चौंकाने वाले हैं। आपको बता दें कि माधवी लता के पास 200 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है, वही सांसद असदुद्दीन ओवैसी की संपत्ति माधवी लता से काफी कम है। सोशल मीडिया पर माधवी लता की पीएम नरेंद्र मोदी तारीफ भी कर चुके हैं, तब से लोग उन्हें पीएम मोदी की शेरनी बुलाते हैं। चुनावी हलफनामे के मुताबिक माधवी लता के पास 221 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की पारिवारिक संपत्ति है। माधवी लता तेलंगाना के सबसे अमीर उम्मीदवारों में से एक है। माधवी लता और उनके पति कोम्पेला विश्वनाथ दोनों बिजनेसमैन हैं। इनके 3 बच्चे हैं और बच्चे भी करोड़पति हैं। पर सवाल उठता है कि माधवी लता निजी जीवन में ऐसा क्या करती है कि इतनी ज्यादा संपत्ति है। अब इस बारे में जान लेते हैं। माधवी लता के विरिंची लिमिटेड में करोड़ों का निवेश है। माधवी लता के पति कोम्पेला विश्वनाथ विरिंची अस्पताल के संस्थापक और अध्यक्ष हैं और उनके पास लगभग 4.25 करोड़ रुपए के आभूषण भी हैं। इसके अलावा माधवी लता एक नृत्यांगना और साउथ की फिल्मों में काम भी कर चुकी है और एक डॉक्टर भी है। वे हैदराबाद की विरिंची हॉस्पिटल की चेयरपर्सन है। वे लोपामुद्रा चैरिटेबल ट्रस्ट और लतामा फाउंडेशन की प्रमुख है। माधवी लता सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती है और इन दिनों सनातन पर मुखर होकर बोलने की वजह से भी काफी लोकप्रिय है। आपको माधवी लता कैसी उम्मीदवार लगती है कमेंट करके बताइए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें।